हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ गजानन कीर्तिकर का एक लेटर शेयर करने जा रहे हैं जो कि उन्होंने SLBC's महाराष्ट्र को लिखा है। SLBC's के जनरल मैनेजर प्रमोद आर दतार को लेटर लिखा गया है जिसमें कि उन्होंने बैंकर्स की कंडीशंस के बारे में बात की है। लेटर में लिखा गया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के समय के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मुंबई में महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशू करनी है। बैंकिंग भी एसेंशियल सर्विस का एक पार्ट है तो बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी इंस्ट्रक्शंस जारी की जानी चाहिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात इस पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे सबसे ज़्यादा केसेस वाली सिटीज़ हैं जिसमें कि दिन प्रतिदिन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। मुंबई में काफ़ी सारे बैंक्स को अपनी ब्रांचेस बंद करनी पड़ी हैं और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के सब अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी ब्रांचेस बंद हुई हैं क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं और उसके कारण ब्रांचेस को बंद करना पड़ा। बैंकों में बढ़ रहे रश के कारण काफ़ी कर्मचारी इसके संपर्क में आ रहे हैं। तमिलनाडु के SLBC's ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की हैं 31 जुलाई तक के लिए, जो कि हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग बैंक मैनेजमेंट्स इंडिविजुअल सर्कुलर्स इशू कर रही हैं। इसके कारण गाइडलाइंस में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि SLBC's यूनिफॉर्म गाइडलाइंस इशू करेंगी जिससे कि बैंकर्स को भी कुछ राहत मिलेगी। बैंक यूनियंस ने भी आपको लेटर लिखे हैं कि आप कुछ कॉमन गाइडलाइंस जारी कर दें। इसके बाद लेटर में कुछ डिमांड्स शेयर की गई हैं जो कि कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले कि अल्टरनेट डेज पे स्टाफ को बुलाया जाना चाहिए और रोटेशनल बेसिस पे 50% अटेंडेंसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ बैंक के जो ऑपरेशन टाइमिंग्स हैं उसे सिर्फ 4 घंटे के लिए 10 से 2 बजे तक कर देना चाहिए जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। इसके साथ इस समय में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि कैश विड्रॉल्स और कैश डिपॉजिट्स ही अलाउ होनी चाहिए। पासबुक प्रिंटिंग बंद होनी चाहिए। इसके साथ साथ कासा, डिजिटल बैंकिंग प्रमोशन, इंश्योरेंस प्रमोशंस, इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। कोई भी स्टाफ जो कि 55 एज से अबव है और प्रेग्नेंट वुमेंस और कोई भी स्टाफ जो कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम अलाउ होना चाहिए। किसी भी स्टाफ को संडे या पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन ड्यूटी पे नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रांच जो कि कंटेनमेंट जोन्स में काम कर रही हैं उन्हें भी कुछ टाइम के लिए बंद कर देना चाहिए या फिर उनके काम को रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। ब्रांचेस को रेगुलरली सैनिटाइज किया जाना चाहिए। सभी सेफ्टी और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के साथ कस्टमर्स की एंट्री पॉइंट्स पे चेकिंग होनी चाहिए। मुंबई पुणे की इस टाइम की कंडीशंस को देखते हुए और बाकी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हालात हैं उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि SLBC's अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगी और इसके कारण ही कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस इशू करेगी ताकि बैंकर्स में जो कन्फ्यूज़न है, जो डर है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस मैटर में कोई गाइडलाइंस इशू की जाएँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।